साथ में होगा बिटिया, ये बेटी साथ में है, आ जाने दीजिए, आइए माँ, आ जाओ बहन, अगर साथ में हो तो आ जाओ, अभी भभूति की मालिश करवा दो, वहां बैठवा दो, बस बस बस, रोते नहीं माता जी, बालाजी सब कुछ है, देखो बालाजी के, बालाजी की दया, सब उनकी दया है, देखो उन्होंने बहन जी के माध्यम से कैसे बुलवा लिया। बोलो क्या प्रश्न है आपका, माइक ले लो। वो नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारा नियम है दूर से ही पना, माइक ले लो आप, हाँ माइक ले लो, पूछो क्या प्रश्न है, पहले पर्चा की बात है, बिना माइक के भी हो सकता है लेकिन पूछ सकते हैं, माइक से भी पूछ सकते हैं। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, बालाजी प्रणाम, सन्यासी बाबा प्रणाम, बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी हम जब से आपसे मिले देखे आपको तब से सन्यासी बाबा ने मुझे खुद स्वप्न में बोला कि तुमको मिलाएंगे, तुमको मिलवाएंगे। वाह, और फिर केला सन्यासी बाबा ने बोला, सन्यासी बाबा ने बोला था हैं। और केले का दर्शन भी हुआ था फिर। अरे वाह वाह, और फिर एक दिन और दर्शन बता याद नहीं है। चलो पूछो क्या प्रश्न पूछना है। गुरुजी मेरे को इष्ट हमारे कौन है, मेरे भगवान कौन है, ये पूछना था। और फिर गुरुजी मेरा मेरे को भक्ति कैसे मिलेगी। ठीक। और गुरुजी मेरा ये शरीर है, इसको आप निर्मल कैसे करोगे प्रभु। ठीक, कोई बात नहीं बहन जी, अब इनका तो एक ही बचा है, यही वाला खोल देते। सिर में बोझ ना ले, भक्ति बढ़ेगी, आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, भक्ति का आशीर्वाद चाहती हैं, निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बस माता जी बस बस, नहीं बिल्कुल, उनका एक मंत्र हमने लिखा, और आप वैसे भी ठाकुरानी को अभी बहुत मानती हैं, श्री प्रियाजू को, प्रियाजू मतलब राधा रानी जू, अभी आप ठाकुरानी की बहुत भक्ति कर रही हैं और निर्मल भक्ति जीवन भर के लिए पाना चाहती, और बीच में और पूर्व में जो अपराध हुए उन अपराध का प्रायश्चित करना चाहती, और आपने ये भी मन में कहा था कि हमारे अपराध को माइक से ना बोला जाए, केवल आशीर्वाद भर दे दिया जाए, तो जाओ बालाजी ऐसी दया करें कि आप सतत भगवान की भक्ति करती रहो। हाँ, उनके पैरों की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो भी मानने लगे, तुम्हारे पति भी मानने लगेंगे, जा जा जा, कुछ रहो, धन्यवाद धन्यवाद, बाद में आ जाए, अभी हम पर्चा कर लें, लाल वाली साड़ी वाली माता जी को आने, खुश रहो बेटू, बस बस बेटे खुश रहो, रोते नहीं है, भक्ति करते हैं। बोलो, नौकरी योग है आपका, करना ही चाहिए, हाँ जा वासी, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, चलो दोनों हाथ उठाओ सब, अब देखते हैं इनका पर्चा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन जीतता है। हमारे हनुमान जी सदा जीतते हैं, आ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा नजदीक बैठिए, क्या नाम है रोगी का तुम्हारा, माइक ले लो, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, पहले नंबर का ही खोलिए, एक नंबर फाइनल, हाँ। के दो, एक ही खोलिए, एक, क्योंकि पहली नजर मेरी इन पे पड़ी थी, पहली नजर आपकी इन पे पड़ी इसलिए इनको पर्चा भी एक नंबर का खोलो, दो तो नहीं खुलवाना, दो इनके लिए, अच्छा ठीक है, ये कितना नंबर है, बालक है, हाँ बालक है बाबा, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, हम पढ़ के बोले,
विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई हैं। गंसु कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए, क्या बात एकदम सही बाबा, एकदम कोई संदेह बाबा, चलो रो मत। ये झटका में आज से ही आराम लगेगा, पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है। हमने इसमें मंत्र लिखा, उसको आपको जो है जाप करना है, भभूति वहां से ले लो, हम सेना अभी भेज देते हैं, आप रोना बंद करो, जाओ। और दूसरी बात, घर में बहुत ज्यादा भय लगता है, डरता है, कोई दिखाई देता है, और यह बालक परेशान भी होने लगता है, शरीर से लार भी निकलने लगती है। और तीसरी बात, आपके आपने मकान का बंधन भी करवाया, कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत जगहों पर भी गए, बहुत कोई लाभ नहीं हुआ, जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, वाणी और पर्चा मिथ्या नहीं होगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन आशीर्वाद है।